हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, हमने नीट का सिलेबस स्टार्ट किया है। रोज डेली हम डिस्कस कर रहे हैं 5 to 10 क्वेश्चन पे, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले रही हूँ। अभी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th के चैप्टर से डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। कौन सा एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को पचाता है, ये हमको इसमें से बताना है। सो कवर करेक्ट आंसर इज अ पेप्सिन। पेप्सिन इज अ मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द स्टमक इज अ पेप्सिन एंड काउज इन अ रेनिन इन द काउज। सो काउज ऑल्सो सो रेनिन एंजाइम ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बट स्मॉल अमाउंट्स में इन इन्फेंट्स में रहता है, नॉट टू एडल्ट। एंड एंड जो पेप्सिन होता है ये एक्ट करता है एज अ वाटर सोल्यूबल, एक्ट्स ऑन अ वाटर सोल्यूबल केसिनोजन केसिनोजन टू फॉर्म द सोल्यूबल केसिन, जो कि मिल्क प्रोटीन ये केसिन को अच्छे से बना सके, उसमें अच्छे से घुल सके। सो पेप्सिन इज अ आवर करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन इज मार्क द राइट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। राइट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। सो आवर करेक्ट आंसर इज अ ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम बिकॉज ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन इज फॉर्म इन द ड्यूओडेनम। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ ट्रिप्सिनोजन इन इनएक्टिव एंजाइम। द क्वेश्चन इज कफर सेल्स आर, कफर सेल्स क्या है। सो कफर सेल्स आर रेसिडेंट लिवर माइक्रोफेजेस एंड प्ले द क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द लिवर फंक्शन अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दे आर अ फर्स्ट इननेट इम्यून सेल्स एंड प्रोटेक्ट द लिवर फ्रॉम द बैक्टेरियल इन्फेक्शन। सो आवर करेक्ट आंसर इज अ फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक इज अ टाइप ऑफ WBC। To use the phagocytosis to engulf bacteria and foreign particles, they and dying cells to protect the body. So our correct option is A. So next question is, the question is which of the following is not true of intestinal villi. So our first option is they passes microvilli. Yes, it's a correct. They passes microvilli. Then they increase the surface area. Yes, they increase the absorptive surface area and they contain the abundant blood capillaries, lymph lacteal vessels and lymph vessel. इसके अंदर डी में ये ऑप्शन दिया है स्टूडेंट। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स बट इट्स नॉट ट्रू लाइन बिकॉज दे डोंट पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट बट हाँ वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड अदर सब्सटेंसेस। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ डी। द क्वेश्चन इज अरेंज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस हमको सिक्वेंस लगाना है, जो कि हम फर्स्ट अगर देखते हैं तो डाइजेशन इंजेशन एसिमिलेशन नो इट्स अ रॉन्ग, इंजेशन एब्जॉर्प्शन नो इट्स ऑल्सो रॉन्ग, डी एसिमिलेशन नो इट्स ऑल्सो रॉन्ग। आवर करेक्ट इज अ बी बिकॉज हम इंजेशन करते हैं, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ बी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ इनेमल। इनेमल इज अ कवरिंग ऑफ आवर टीथ। इनेमल इज अ हार्डेस्ट एंड व्हाइट आउटर पार्ट ऑफ आवर टीथ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। The question is the undigested food stored in the liver in the form of carbohydrate is called as glucose. Students, glucose ये main source है fuel for our cells के लिए, और जब body को जरूरत नहीं होती है glucose की for energy के लिए तब body store करती है glucose को liver और muscles के अंदर, liver and मसल्स के अंदर। सो दिस स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ द मेनी कनेक्टेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अ सी।